हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजाना फूड। ईद आ रही है और सभी को पता है ईद के दिन कलेजी जरूर बनती है, तो आइए हम आपके लिए लेकर आए हैं ईद स्पेशल कलेजी की रेसिपी। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हम आज कलेजी बनाने जा रहे हैं और ये मैंने हाफ के जी कलेजी ले ली है। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो ये देखिए, मैंने एक भगोनी में पानी उबालने के लिए चढ़ा दिया है, पानी में उबाला गया है। अब हम इसके अंदर कलेजी डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं इसे। और इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पकने तक उबलने देते हैं। हमारी कलेजी उबलती है, इतनी देर में हम दूसरी साइड में इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सब्जी वाला पैन चढ़ा दिया है और इसके अंदर ये वाले 2 बड़े चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। अब तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे। मोटा वाला गरम मसाला लिया है, इसे डाल देते हैं। एक मीडियम साइज का मैंने प्याज दिया है, इसे कट कर लिया है, इसे डाल देते हैं। इन्हें गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। प्याज हमारे गोल्डन हो गए हैं, अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट डालूंगी। मैंने एक मीडियम साइज का प्याज, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कलियों को ग्राइंड कर लिया था, इसे डाल देते हैं। दो 3 मिनट तक हम इसे भी फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, हमने पेस्ट को अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक भून लिया है। इसका पानी भी सूख गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसकी गैस की फ्लेम को हम कम कर देते हैं। मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून भरकर रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहे तो कम ज्यादा कर सकते हैं, मुझे तीखा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल रही हूँ। वन टीस्पून मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। इसे हिलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे भूनते रहेंगे। हमारा मसाला भूनता है, इतनी देर तक हम कलेजी चेक कर लेते हैं। इसका कलेजी हमारी उबल रही है, इसे हम एक बार कट करके देखते हैं कि ये पकी है या नहीं। ये देखिए, कलेजी हमारी पकने लग गई है। इसे हम लेकिन थोड़ा सा और पका लेते हैं, ये मुझे थोड़ी सी हल्की कच्ची लग रही है। 5 से 7 मिनट इसे और पकने देते हैं। इसे थोड़ा सा ढक देते हैं। मसाले को हमें इसी तरह से लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनना है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। अब हमारी कलेजी को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, कलेजी भी हमारी अच्छे से उबल गई है। अब हम इसका पानी निकाल कर इसे प्लेट में निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, हमने कलेजी निकाल ली है, अब हम इसे मसाले में डालेंगे। इसे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कलेजी को हम लो टू मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से अभी ढककर और थोड़ी देर भूनेंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहेंगे। इस तरह से इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहें और भूनते रहें।
ये हमारी कलेजी अच्छे से भुन गई है। हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब हम इसको थोड़ा सा ढक देते हैं। 2 मिनट हम इसे ढक कर पकाएंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। 2-3 मिनट तक हमने सब्जी को पका लिया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कलेजी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो फिर इसमें धनिया पत्ती डालकर इसे सर्व कर देते हैं। तो ये लीजिए हमारी कलेजी की सब्जी बनकर सर्व हो गई है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो आप भी इस सब्जी को जरूर ट्राई करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।